पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 157 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 157 सीआरपीसी हमें बताता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा ये हमें सेक्शन 157 बताता है। सो इसे हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इमीडिएट इंटीमेशन ऑफ एवरी कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन of the commission of cognizable offence shall be sent to the magistrate having jurisdiction। देखो कोई भी अगर complaint होती है या कोई information आती है किसी cognizable offence के commit होने की, कोई भी complaint आती है या फिर कोई information receive होती है officer in charge of a police station को किसी cognizable offence के commission की, तो वो सबसे पहले इमीडिएट इंटीमेशन यानी कि किसको बताएंगे सबसे पहले जाकर के, इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को। कौन से मजिस्ट्रेट को? जिस मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को देखने का। द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, अब यहां पर मजिस्ट्रेट की पावर बताई गई है कि द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले, संज्ञान ले, मतलब अपने नीचे अब उस केस को वो देखेंगे। एंड ऑर्डर टू एनी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, और किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को कहें, ऑर्डर करें कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। अब क्या इन्वेस्टिगेट करना है ये इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो लिख लें द स्पॉट, ठीक है, मतलब जिस जगह पर क्राइम कमिट हुआ है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, एंड टेक नेसेसरी मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, और सारे नेसेसरी मेजर्स लिए जाएं जिसमें कि डिस्कवरी की जाए कि अक्यूज्ड कहाँ है और उसे अरेस्ट किया जाए। यहां पर एक केस है कारी चौधरी वर्सेस सीता देवी का, चाहे तो आप लिख लें अपने में, बिल्कुल लिख लें क्योंकि आपको मेन्स के एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी रहेगी। कारी चौधरी वर्सेस सीता देवी में कहा गया द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू फिगर आउट इफ द अलेज्ड क्राइम हैज एक्चुअली बीन कैरिड आउट और नॉट। यहां पर जो 157 में जो बताया गया है कि इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होगा इन्वेस्टिगेशन का, इसका पर्पस क्या है? इस इन्वेस्टिगेशन का इसका पर्पस ये है कि पता चल सके कि क्या एक्चुअली में क्राइम हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। And if the crime has been committed, then who has committed the offence? और अगर crime हुआ है तो किसने वो offence को commit किया है, ये जानना जरूरी है। इसका proviso है जो कि लगभग हर एक section में हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, information of rape, अगर rape की information आती है तो वो information सिर्फ और सिर्फ एक women police officer ही record करेगी। कहां पर रिकॉर्ड करेगी? एट रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम, जहां पर उस विक्टिम का घर है, और प्लेस ऑफ चॉइस या फिर जहां विक्टिम चाहे वहां पर भी। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन एंड सोशल वर्कर, किसकी प्रेजेंस में? उस विक्टिम के अलावा और कौन कौन वहां प्रेजेंट हो सकता है? पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियन हो सकता है या फिर कोई सोशल वर्कर हो सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 158 सेक्शन 157 में हम लोगों ने एक केस देखा जिसका नाम था कारी चौधरी वर्सेस सीता देवी। इसमें ये बताया गया कि इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, तो क्या पर्पस है कि क्या कोई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है इस बात की तह तक पहुंचना, और अगर हुआ है तो वो क्राइम किसने कमिट किया है ये पता लगाना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला सेक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।